20 सितंबर को गुना में निकलने वाली किसान न्याय यात्रा को लेकर दतिया से कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती कांग्रेस कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करने गुना पहुंचे, जहां उन्होंने किसान न्याय यात्रा की रणनीति बनाते हुए भाजपा पर जमकर निशाना साधा। देखिए खास रिपोर्ट। दतिया में पूर्व गृह मंत्री और बीजेपी के कद्दावर नेता नरोत्तम मिश्रा को हराने वाले कांग्रेस विधायक गुना जिले में किसान न्याय यात्रा के प्रभारी बनाए गए। लिहाजा 20 सितंबर को निकलने वाली न्याय यात्रा को लेकर राजेंद्र भारती गुना पहुंचे और कांग्रेस कार्यकर्ताओं की एक बैठक ली। इस दौरान विधायक राजेंद्र भारती ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को इस आंदोलन की पूरी रणनीति समझा दी। जिन मंत्री जी की दाल बोलती थी नरोत्तम मिश्रा जी, उनको हरा कर विजय हुए हैं। मैं ऐसे महान नेता का यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों की तरफ से हृदय से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ और अभिनंदन करता हूँ। साथियों, आज जो अमर जो मीटिंग का जो आयोजन किया गया है वो 20 तारीख को किसान न्याय यात्रा यहाँ पर निकलना है, उसके संदर्भ में हमारे प्रभारी जी यहाँ पे आए हुए हैं, वो आप सब लोगों को इस संबंध में विस्तृत बताएंगे। मैं इस मौके पर यहाँ पर सभी उपस्थित कार्यकर्ता नेतागण और हमारे अतिथि का बार बार फिर हृदय से स्वागत वंदन और अभिनंदन करता हूँ। और आगे की विस्तृत रूपरेखा के संबंध में चूंकि मीटिंग हमारी बहुत लेट हो गई है और हमारे लोग बाहर से दूर से यहाँ तक आए हुए हैं, तो मैं इसको ज्यादा विस्तृत रूप ना देते हुए मैं हमारे जो हमारे यहाँ के प्रभारी हैं आदरणीय भारती जी, मैं उनसे ही इसमें निवेदन करूंगा कि वे इस किस तरह ये हमारा कार्यक्रम है, किस तरह होना है, इसमें कैसा क्या ऊपर से निर्देश है, उस सब संबंध में विस्तृत चर्चा करेंगे। गुना के सम्माननीय अध्यक्ष जी, ब्लॉक कांग्रेस कमेटियों के सभी हमारे सम्मानित अध्यक्षगण, NSUI, महिला कांग्रेस, सेवा दल, युवक कांग्रेस के सम्माननीय अध्यक्ष और हमारे सभी यहाँ उपस्थित सीनियर कांग्रेस जन, सभी आदरणीय माता बहन, जैसा कि आप सबको मालूम है कि हमारे प्रदेश में और देश में इस समय यदि सबसे ज्यादा कोई परेशान है तो वो किसान। ये हमारी जो किसान न्याय यात्रा है इसके संबंध में माननीय जी तो पटवारी जी के द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि प्रत्येक जिले में 5 से 10 किलोमीटर तक की पद न्याय यात्रा की जाए और उसके बाद कलेक्टर को ज्ञापन देना है। इसके लिए आप जो हमारे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष हैं, माननीय जिलाध्यक्ष जी हैं, सभी हमारे जितने सम्मानित हैं नेतागण हैं, वो बैठ के रूट चार्ट बनाने के किस तरह कहां से कहां तक आपको न्याय यात्रा करना है। कांग्रेस की बैठक में प्रदेश की परिस्थितियों को लेकर राजेंद्र भारती ने पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा पर जमकर निशाना साधा। भारती ने कहा कि शिवराज सरकार ने रेत से सोना खोजकर निकाल दिया था, मध्य प्रदेश में आज भी खनिज माफिया हावी है। नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन, सबके अधिकार, शिक्षकों को वेतन मिलता था जब तक सरपंच वेरीफाइड नहीं कर देता था तब तक शिक्षक को वेतन नहीं मिलता था। अब ये जितनी भी खदान है, रेत खदान, मोरम खदान, मिट्टी खदान, लूट बची हुई, उस समय ये सारे अधिकार ग्राम आपकी जनपद पंचायत और जिला पंचायत में, और जो राशि आती थी वो वही खर्च होती थी। ये तो इन्होंने शिवराज सिंह जी ने रेत में सोना खोज के निकाल दिया, और जिस तरह से अवैध उत्खनन हो रहा है पूरे मध्य प्रदेश में, उसमें तो आप देखिएगा कि लगातार एक हत्याएं होती है सरकारी कर्मचारियों अधिकारियों के ऊपर। मोरेना में IPS की हत्या हुई थी, लोगों के ऊपर अटैक होते हैं, तो जो खनिज माफिया है वो मध्य प्रदेश में पूरी तरह से हावी। तो ये सारे जो ज्वलंत मुद्दे हैं, इन ज्वलंत मुद्दों को लेकर हमें जनता के बीच में जाना है।
जो हमारे समर्थन मूल्य है, समर्थन मूल्य भी हमारे किसानों को नहीं दिए जाते। अभी हालांकि मध्य सरकार में सोयाबीन, आपके साथ सोयाबीन ज्यादा होता है, कम जी। तो ये फिर इसके बाद जो उसमें और निर्देशों में कहा गया है कि अनुसूचित जाति जनजाति के व्यक्तियों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, ये सारे मुद्दे उसमें हैं। अल्पसंख्यकों के साथ जो अत्याचार हो रहा है, जो पक्षपात और भेदभाव हो रहा है, इन सब मुद्दों को लेके हमें न्याय यात्रा निकालना है। और पूरी तैयारी हमारे माननीय विधायकगण, अभी ऐसा मेरे अध्यक्ष जी ने बताया कि किसी कारण से नहीं आ पाए हैं, तो उसे भी आप चर्चा कर लें, और चर्चा करने के बाद किस रूट को आपको न्याय यात्रा निकालना है। लेकिन वो मुख्यालय पे आके जहाँ से भी आप शुरुआत करें, वो मुख्यालय पे आके उसको समापन विज्ञापन के रूप में खत्म करना। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश में सोयाबीन के भाव 6000 रुपए प्रति क्विंटल करने की मांग को लेकर कांग्रेस प्रदेश भर में किसान न्याय यात्रा निकाल रही है। 20 सितंबर को सिंधिया के गढ़ में कांग्रेस बड़ा आंदोलन करने की तैयारी में है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, गुना।